दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में अटल जी का जन्मदिन बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी मौके पर हमारी सहयोगी अपर्णा दीक्षित ने कवयित्री नंदिनी श्रीवास्तव से खास बातचीत की। अभी मैं नेशनल म्यूजियम में मौजूद हूँ, यहाँ पर अटल जी का बर्थडे मनाया गया। मेरे साथ एक कवित्री हैं नंदिनी श्रीवास्तव जी, उनसे बात करेंगे और उनकी कविताएं सुनेंगे अटल जी पर लिखी हुई, और अटल जी की कविताएं सुनेंगे उनके। सर मैम, आपने जो कविताएं लिखी हैं अटल जी के बर्थडे के लिए, वो बताइए प्लीज़। जी, अटल जी के बारे में कोई लिख पाए, उनको शब्दों में समाहित कर पाए, इस लायक तो हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये शब्द श्रद्धांजलि जो हम कविजन देते हैं कि मैंने एक छंद लिखा है, इसे कविता के भाषा में मनहरण छंद कहते हैं, तो मैं उसको सुनाती हूँ कि काल के कपाल पर नृत्य गीत रचते थे, हार नहीं मानते थे, रारे नहीं ठानते थे, काल के कपाल पर नृत्य गीत रचते थे, हार नहीं मानते थे, रार नहीं ठानते थे, हिंदू मुस्लिम चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई आदमी को सिर्फ वो तो आदमी ही मानते थे, और टूट सकते मगर झुक नहीं सकते हैं, जीत लेंगे हर जंग अटल जानते थे, और पंख में उगा कमल भारती की शेष धरा, पंख में उगा कमल भारती की शेष धरा, शब्द 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 सत्य का ही मधुरस छानते थे, शब्द शब्द सत्य का ही मधुरस छानते थे। इसमें मैंने उनके व्यक्तित्व का जो 1% 0.0001% समावेश हो उसकी कोशिश की है। अब श्रोता ये तो आपने अपनी लिखी हुई अटल जी के लिए पंक्तियाँ सुना दी, छंद सुना दिया, अब आप अटल जी की कोई ऐसी कविता सुनाइए जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो। उनकी तो सारी कविताएं मशहूर हैं, आप एक बार इंटरनेट पे लेके बस इतना करिए कि अटल जी की प्रसिद्ध कविताएं जो आपको सबसे ज़्यादा भाती हो वो सुना दीजिए। आओ फिर से दिया जलाए, मैं तहत में सुनाती हूँ, लय में बहुत वक्त लगेगा, कि आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। कितनी गहरी वेदना है कि सूरज ही परछाई से हार जाता है, कि भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, बिल्कुल निराश हो गए हैं कि देश के युवा बुझ गए हैं, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो ये थी हमारे साथ नंदिनी जी, कवित्री हैं ये, बहुत अच्छा लिखती हैं, और सही बात है कि आओ फिर से दिया जलाएं करके उन्होंने बहुत ही अच्छी कविता लिखी अटल जी ने। कैमरामैन राहुल के साथ मैं पढ़ा दीक्षित R19।